हेलो एवरीवन, मैं हूं अशोक नायक। आज हम बात करेंगे हेयर के सर्कुलर के बारे में। विज्ञान के अनुसार हमारे बाल हैं 80% से 90% ग्रोथ फेज में रहते हैं और 1 से 2% हमारे बाल हैं जो झड़ने के फेज में रहते हैं। 10 से 20% हमारे बाल हैं जो आराम फेज में रहते हैं। बड़ी संख्या में क्या होता है कि ग्रोथ फेज से आराम फेज में चले जाते हैं, उसकी वजह से बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आती है कि बाल ग्रोथ नहीं कर पाते। तो कुछ विटामिन हैं, ओमेगा 3 जो बालों को थिक करता है और बालों को मजबूती देता है, ये होता है मीठे आलू में, फिश में और काजू में और हरी गोभी में। इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये चीजें आराम से मिल जाती है, तो इसको आप सेवन करके भी बालों को ठीक कर सकते हो। उसके बाद आता है जिंक, जो चने में भरपूर होता है, बादाम में काफी होता है, काजू में भी काफी होता है। विटामिन B5 बाल झड़ने की प्रक्रिया को कम करता है। ये होता है मशरूम में, नाशपति में, शकरकंद में और दही में। ये आसानी से चीजें मिल जाती है। और उसके बाद में विटामिन सी बालों को बनाने वाले सेल पर असर करता है। ये होता है स्ट्रॉबेरी में, कीवी में, मौसमी में और पपाया में, गुआवा में और टमाटो में। और भी बहुत सारे फ्रूट है, सब्जियां हैं, उनके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और फिर आता है आयरन। सामान्य तौर पर क्या होता है कि महिलाओं में आयरन की कमी होती है, जिससे बालों के झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। आयरन होता है पत्ता गोभी में, हरे पत्ते में, अंकुरित अनाज जो होते हैं उनके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सी सब्जियां फ्रूट है जो आसानी से मिल जाती है, हमारी रसोई में होती हैं, तो उससे भी भरपूर मात्रा में आयरन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ विटामिन्स हैं और ये डॉक्टरों के अनुरूप, अगर आप किसी डॉक्टर से भी डिस्कस करेंगे तो आपको वो इनके बारे में, विटामिन्स के बारे में बताएंगे। बहुत सी टैबलेट्स आती है, बहुत सा ट्रीटमेंट्स डॉक्टर देते हैं, तो उसमें ओमेगा 3, विटामिन B5, विटामिन सी और आयरन, जिंक, यही टैबलेट में साल्ट होते हैं। तो ये अपने नेचुरल भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जियों में, फ्रूट के अंदर। तो